गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं कुछ पेंटिंग देखा कर आपको याद दिलाने जा रहा हूँ। जैसे ये सारे पेंटिंग आपको देखा चुका मैंने पहले, और फिर उसी पेंटिंग को हम आपको देखा कर याद दिलाने जा रहा हूँ। जैसे देखो, अब बहुत सारे पेंटिंग्स देखा मैंने आपको, कौन सा पेंटिंग क्या था वो आपको शायद याद नहीं होगा, इसलिए मैंने वही पेंटिंग फिर से एक बार मैं देखा कर आपको याद दिलाने जा रहा हूँ। जैसे मैंने सारा काम दिखाएंगे वाटर कलर में से, वाटर कलर, पेंसिल शेडिंग और पोस्टर कलर, एक्रेलिक कलर, ये सारा कलर दिखाएंगे। तो फिर लैंडस्केप कंपोजिशन, नेचर स्टडी, स्टिल लाइफ, लाइफ स्टडी, पोर्ट्रेट एंड डिज़ाइन एंड कैलीग्राफी, ये सारा मैंने देखा दूंगा आज। तो वही देखा कर याद दिलाएंगे आपको, जैसे कौन सा पेंटिंग क्या था वो आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ मैं अभी। जैसे स्टार्टिंग में मैं एक मोनोक्रोम कलर दिखाने जा रहा हूँ, मोनोक्रोम वाटर कलर। जैसे ये है मोनोक्रोम वाटर कलर। तो इसी तरीके से मैंने पेंटिंग आपको दिखाएंगे अब। ये है मोनोक्रोम पेंटिंग लैंडस्केप, ये वाटर कलर लैंडस्केप, जैसे कलरफुल, जो इससे पहले जो देखा था मैंने मोनोक्रोम था, एक ही कलर से किया गया था। और ये जो है ना, सारे कलर इसमें मिक्स है, तो मिक्स मीडिया यानी मिक्स कलर यानी कलरफुल। तो इसी तरीके से लैंडस्केप करना है। ये पर्सपेक्टिव व्यू में है, जैसे वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में है, जैसे डायरेक्ट वन पॉइंट देख रहे हैं आप, जैसे सारे तरफ मतलब ये है। तो मैं कैमरा यहाँ से लिया तो फिर इस तरफ डायरेक्ट वन पॉइंट हो गया, ठीक है। ये फिनिशिंग पॉइंट में है सारे। ये कंपोजिशन है, जैसे कंपोजिशन सब्जेक्ट मिला हुआ है, जैसे सेव वाटर एंड सेव एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट के बारे में जो ये किया है, वाटर कलर कलरफुल, ये सब याद दिलाने के लिए आपको मैंने स्लाइड शो किए, जैसे ये। तो इसी तरह से आपको भी पेंटिंग करना है। इससे पहले मैंने वाटर कलर देखा है, आप पेंसिल शेडिंग, लैंडस्केप, ये जो भी देखा था मैंने सारा लैंडस्केप था, और एक कंपोजिशन देखा है मैंने बीच में, और ये है लैंडस्केप पेंसिल शेडिंग। तो इसी तरीके से आपको पेंसिल शेडिंग कलर जो भी है आपको करना है। तो ये जूम करके देखा है मैंने, आपको याद दिलाने के लिए जो ये सारे काम हो गया है, आप रिवाइज कैसे किए हम, मतलब रिमाइंड कैसे करें, इसलिए दिखा रहा हूँ मैं आपको। और ये भी एक लैंडस्केप है पेंसिल शेडिंग। देखो, एक ही पेंसिल से हम लोग करते हैं, मतलब इस तरीके से जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम इस तरीके से पेंटिंग नहीं बना सकते। क्योंकि लैंडस्केप देखो, एक कॉपी में साधा पेज में एक पेंसिल से कितना बढ़िया मतलब लैंडस्केप होते हैं और सीनारी है ना, इसी तरीके से आपको भी बनाना है। आप दूसरे पेंटिंग लैंडस्केप के बाद, जैसे ये पेंसिल सेटिंग कंपोजिशन देखा मैंने, देखो एक लेडी जा रही है, और पर क्या है उसके सर पे कुछ सीजे हैं, और पीछे की तरफ जो पीठ में है एक बच्चे हैं। तो इसी तरीके से कंपोजिशन भी हमें करना है, ये जूम कर कर दिखा रहा हूँ मैं। देखिए A4 साइज में किया हुआ है ये भी पेंटिंग, ये भी एक कंपोजिशन है, जैसे वो टायर को खेल रहे हैं मतलब चला रहे हैं, है ना। तो यही सारा मतलब कंपोजिशन है हम लोग का, लैंडस्केप कंपोजिशन दिखा दिया आप। अब फिर इसके बाद मैं दूसरा दिखाऊंगा, ये देखिए और एक कंपोजिशन है। तो क्या है, ये सब्जी वगैरह ले रहे हैं, जो सब्जी बेचने वाला है ना। इस तरीके से आपको कंपोजिशन करना है, जो भी दिमाग में आए तो वही सब करना है आपको, क्योंकि याद दिला रहा हूँ मैं आपको, ये सारा पहले देखा चुका मैंने पहले भी। यह है कलरफुल नेचर स्टडी, देखो किस तरीके से बनाया मैंने, तो कलर से क्या पहले ड्रॉ किया तो फिर कलर सारा मैंने, ये वाटर कलर है। ये भी कलरफुल नेचर स्टडी है, जैसे आम और ग्रेप्स यानी मैंगो ग्रेप्स बनाए हुए हैं, अंगूर और आम। तो कोई भी चीज़ अरेंजमेंट करके आपको घर पे बैठे बैठे आप कर सकते हैं, मैंने जस्ट देखा है आपको याद दिलाने के लिए। ये है लीफ, तो पेंसिल शेडिंग के द्वारा कितना बढ़िया बनाया। तो यानी एक पत्ता तोड़ के फिर उसमें
सजा के रख कर फिर बनाना है आपको इसी तरीका से है, जैसे है ऐसे हूबहू आपको बनाना है। आप फिर दूसरी पेंटिंग दिखाने जा रहा हूँ, आप देखिए स्टिल लाइफ, कलरफुल स्टिल लाइफ। तो इसके बाद मैंने फिर कलर ब्लैक एंड व्हाइट यानी पेंसिल शेडिंग के द्वारा जो किया हुआ है स्टिल लाइफ वो दिखाने जा रहा हूँ अभी, ये कलरफुल स्टिल लाइफ। जो भी ये सारे सामान आपके घर पे होंगे ज़रूर, इसलिए मैंने वही सब याद दिलाने के लिए किया है। डायरेक्ट ये पेन से किया हुआ है, पेन वर्क है ये स्टिल लाइफ। तो देखो मैंने किस तरीके से पेन ब्रश पेंसिल ये रख के एक कप में वो दिखाया मैंने बना के, क्योंकि इस तरीके से अरेंजमेंट करने हैं आपको बनाने के लिए, कुछ भी बना सकते हैं आप घर पे बैठे बैठे, तब जाके आपका हार्ट स्मूथ होंगे और स्केच ड्राइंग जो भी है लाइंस वगैरह सही होंगे आपका, साथ साथ हैंड राइटिंग भी अच्छा होंगे। ये वाटर कलर पोर्ट्रेट, देखो वाटर कलर से किया हुआ है ये पोर्ट्रेट, ये वाटर कलर जितना दूर से देखेंगे इतना क्या है अच्छा लगने लगता है, यानी अच्छा देखते हैं। और फिर मैंने दिखा रहा हूँ दूसरे काम, ये है पेन वर्क यानी पेन से किया हुआ डायरेक्ट पोर्ट्रेट। ये सारा काम देखा कि आपको याद दिलाने जा रहा हूँ मैं। और ये देखिए आप, जो हम पोर्ट्रेट स्टडी करने से पहले हम लोग इस तरीके से स्टडी पार्ट बाय पार्ट किया जाता है, यानी करना होता है हम लोग को, तब जाके हम पोर्ट्रेट में कैसे बनाते हैं वो अपना एक एक जगह पे हम पेस्ट करके हम बैठा सकते हैं ये ही सब चीज। जैसे ये है देखो, आए 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप, जैसे चाइल्ड एडल्ट ऑल ये सारा मतलब इसमें दिखाया हुआ है एक्सप्रेशन जिसका जो मतलब होता है, ठीक है, इसका उम्र के हिसाब से जो मैंने बनाया। एक ये है पोर्ट्रेट, मैंने तीन कलर तीन तरीका से देखा है मैंने, एक पेंसिल से किया हुआ शेडिंग, और एक कलरफुल लेंस पोर्ट्रेट, और एक पेन से पेन वर्क मतलब किया है, तीन तीन पोर्ट्रेट देखा मैंने आपको इस तरीके से। एक ही चीज़ को तीन मीडियम से किया मैंने पोर्ट्रेट ही, तीन मीडियम वाटर कलर पेन वर्क यानी पेंसिल। पोर्ट्रेट के बाद फिर मैंने एक लाइफ स्टाइल दिखाने जा रहा हूँ, ये है लाइफ स्टाइल। और आप डिजाइन बना सकते हैं इस तरीका से, ये डायरेक्ट पेन वर्क किया है मैंने, पेन वर्क से डिजाइन, डिजाइन मतलब क्या है, ये रंगोली होता है एक तरीका से रंगोली, ठीक है, रंगोली भी बना सकते हैं आप, इसी को कलरफुल रंगोली बना सकते हैं आप, अलग अलग कलर से बना सकते हैं। और फिर दूसरी दिखाने जा रहा हूँ मैं अभी, ये पेन और पेंसिल दोनों है, ये डिजाइन देखो कितना बढ़िया है, ये कितना गहराई भी है इसमें और कितना वो भी डीपली जो है। जैसे देखो ये जिमनास्टिक फॉर्म में देखा है मैंने, एक ह्यूमन फिगर को ही क्या है जिमनास्टिक फॉर्म में देखा है, अलग अलग तरीका से जो योगा पोज होता है हम लोग का सुबह मॉर्निंग टाइम पे, तो इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हो, क्योंकि एक ही मतलब देखो मेन फिगर है ये है, तो यहाँ से लेके देखो ये दोनों पैर से उठा उठ गया, फिर धीरे धीरे मतलब क्या है ये जिमनास्टिक फॉर्म में देखा है मैंने। तो इसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने पेन हो या पेंसिल हो जैसे घर पे बैठे बैठे, ठीक है। और एक ये 3D 3 डायमेंशन, जैसे देखो इसी तरीके से आपको जो भी देखा है मैंने अभी रिसेंट, तो वही देख देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब क्या है पोस्ट पोस्ट कर करके आप उसको देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप अच्छे तरीके से बनाएं। थैंक यू सो मच।